ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे गुरुवर, हे साई बाबा, आपके आशीर्वाद से श्री साई सचरित्र का अध्याय 16 एवं 17 का एक साथ पठन हो रहा है। गुरुदेव, ये अध्याय दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके श्री चरणों में कामना करता हूँ कि जो भी भक्त इस वक्त इसका लाभ उठा रहे हैं, उन सब के चित्त में उतरे, उनका जीवन सदा सदा के लिए सुधर जाए। मैं आपके श्री चरणों में कामना करता हूँ प्रभु, इस पाठ से सभी को लाभ हो। आइए अब ये पाठ शुरू करते हैं। अध्याय 16 एवं 17। शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष्ट्य, इन दो अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहा था, उसका वर्णन है। पूर्व विषय। गत अध्याय में श्री चौलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णता फलीभूत हुआ, इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाह्य आचारों विचारों को विशेष महत्व ना देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितेशी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है, वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया, उसे अब श्रवण करें। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास और दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची, तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुँचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ, मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, प्रिय मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब आप सरीखे महानुभव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया।
जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बताया कि नंदू का तो कोई अता पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपये लाने में असफल ही रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। हमें ज्ञात ही है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस पाँच रुपये सरीखी तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी। उन्हें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ना थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू घर पर नहीं है। ये नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक के परीक्षार्थ ही रचा था। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की गड्डियाँ थी और यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत ना बैठते। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो वह मूक दर्शक बने ही ना बैठे रहते। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित धन राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपया उधार देने तक का साहस ना कर सका। पाठक थोड़ा विचार करे कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल मूक दर्शक ना बनकर तुरंत ही 5 रुपये दे देता। परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने ना रुपये दिए और ना शांत ही बैठे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जिसमें पहला है 5 प्राण, दूसरा 5 इंद्रिया, तीसरा मन, चौथा बुद्धि तथा 5वां अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया जिसका सारांश यह है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं सामान्य मनुष्यों को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना भी नितांत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व मुक्ति की तीव्र उत्कंठा, जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। दूसरा विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव, ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न होना होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। आइए तीसरा पढ़ते हैं, अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, ना कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। चौथा पाप शुद्धि, जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता तब तक ही ना तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और ना मन ही स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। 5वां उचित आचरण, जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता तब तक उसे आत्मोपलब्धि संभव नहीं। 6ठा सार्वस्तु ग्रहण करना, 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को
इन दोनों का सामना करना पड़ता है, उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठकर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। सातवां, मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिया उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुँच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। आठवां, मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। नौवां, गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है, जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो। वही अपने शिष्य को भी सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। दसवां, अंत में ईश कृपा परम आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार करा देते हैं। यह आत्मानुभूति ना तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना शुष्क वेदाध्ययन द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी को यह आत्मा वरण करती है, उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। बाबा का उपदेश। जब यह उपदेश समाप्त हो गया, तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपके जेब में 5 रुपये के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म का यानी नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर यानी विव्रत है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भव सागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार है, अंत वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कब हु होत नहीं, रवि रजनी इकठाम। जहाँ लोभ है, वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना संतोष ही, और ना वह
दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वह निरादंभ ही है। इसलिए श्रेष्ठकर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा का वैशिष्ट्य, ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी अपेक्षा ना कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नाथ हैं। यद्यपि उनके कोई घर द्वार स्त्री और संतान समीप या दूर के संबंधी ना थे फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त संसार एक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय विरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणीय थे। इसलिए हेमाड पंत कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य है जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।